नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। हरियाणा में प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को एक सप्ताह के लिए और बढ़ाकर 21 जून तक कर दिया है, लेकिन इस बार नियमों में फेरबदल करते हुए और डिवन सिस्टम को खत्म कर दिया है। मार्केट में दुकानें प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे दुकानदारों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गली मोहल्लों की दुकानें, दूध, फल, सब्जी, किराना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों के अनुसार खोली जाती रहेंगी। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। शादियों में बारात की अनुमति नहीं है। शादी समारोह, धार्मिक स्थलों व अंतिम संस्कार में केवल 21 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि 9 से लेकर 7 का नहीं, 9 से लेकर 8 बजे तक का समय है जो हमारे पढ़ने में आया है, पर मैं तो सरकार से यही अपील करूँगा कि ये समय रेगुलर रूटीन में ही रहना चाहिए। 8 बजे के बाद मार्केट बंद होनी चाहिए और मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि हर रविवार को भी एक छुट्टी निर्धारित की जाए, जिससे दुकानदार अपने परिवार को समय दे सके। किस तरह से अब कोविड के नियमों का पालना करेंगे, क्योंकि दुकानदार हैं आप और ग्राहक अब ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बाजार खुल दिए गए हैं। कोविड के नियमों की पालना ये, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो आप लगा के चलो 50% 60% लोगों ने मास्क उतार दिए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो हम ये लोगों से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर का यूज़ करें। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, ये जो महामारी, इसके लिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और लोगों का ध्यान रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। ये सब सरकार ने करा, बहुत अच्छा किया है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा भी आ सकती है। ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और सभी को बीमारी से बचना चाहिए। और जो सरकार ने ये भी ऐलान, जो घोषणा की है कि जो शादी कार्यक्रम में 21 लोग ज़्यादा नहीं होंगे, जो वैसे अन्य कार्यक्रम में 50 लोग ज़्यादा शामिल नहीं होंगे, अनुमति लेनी होगी, कैसा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है सर। ये अगर ये नहीं हो पाएगा तो बीमारी दोबारा बढ़ने का चांस है, तो ये जो बहुत जरूरी गाइडलाइंस जो सरकार की है, जरूर हमें पालन करना चाहिए। लोग से क्या अपील करते हो कि बाजारों में जिस तरह से ग्राहक बढ़ेंगे और ज़्यादा, किस तरह सावधानी? लोगों से ये अपील करेंगे कि देखो, जो सरकार का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और मास्क जरूर लगाना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। यही हमारा लोगों से अपील है।